हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 आईपी इंफॉर्मेटिव एफिशिएंसी क्लास को आगे बढ़ा है। चैप्टर नंबर 8 हम लोगों ने खत्म कर दिया था। चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पार्ट 1 है आज। इस वीडियो में थोड़ा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो एक पार्ट में इसको दे रहे। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर चैप्टर का नाम है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर चैप्टर को पढ़ने के पहले हमको ये समझना होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होगा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सॉफ्टवेयर वो चीजें होती है, जैसे हम लोगों ने पिछले कुछ चैप्टर्स के अंदर ही पढ़ा है कि हार्डवेयर, हार्डवेयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पहले हम इसको क्लियर करते हैं। हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है? ऐसी चीजें, ऐसी भौतिक चीजें, ऐसी भौतिक वस्तु है जिन्हें हम छू सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, भौतिक रूप से हमें दिखती है, उसे महसूस भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये चौक, इसको हम छू सकते हैं, फेंक सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठोस वस्तु है, ठीक है। ऐसी भौतिक चीजें जो ठोस रूप में हो, अवेलेबल हो, ठोस ना भी हो तो भी हम उसको भी देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये सभी चीजें क्या होती है? हार्डवेयर होती है। तो कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर क्या क्या होता है? जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, प्रिंटर हुआ, मॉनिटर हुआ, और भी छोटे छोटे स्क्रू हुए, ठीक है, छोटी सेल्स हुए, ठीक है, मेमोरी कार्ड हुए, के अलावा हम लोग बोले वायर्स हैं, ठीक है। ये सभी चीजें क्या है? आपकी हार्डवेयर है, ठीक है, जो छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है, फेंक सकते हैं। ये सारी चीजें ठोस वस्तु में भौतिक चीजें जितनी भी होती है वो सब हार्डवेयर के अंदर आती है। जब हार्डवेयर के अंदर ये सब चीजें आ गई, मैं एग्जाम्पल के लिए डायग्राम बना रहा हूं। मान लिया ये है मॉनिटर, ठीक है, इससे साथ में यहाँ पे कीबोर्ड, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है आपके कीबोर्ड, ये है आपके पास माउस, ठीक है, ये है आपके पास सीपीयू। ये सभी एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, क्लियर। अब जब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सब चीजें आपको दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रिंटर भी यहाँ रख दिया, ठीक है, ये आपको दिख रही है। इन सभी चीजों को आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी क्या है? हार्डवेयर के अंदर आते हैं। अब बात आ रही सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो चीज होती है, हम अपनी भाषा में बात करें, जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। अब इनके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो केवल महसूस होती है? बात करते हैं, यहां पर देखते हैं। जो हम सिस्टम के अंदर जो भी चीज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए प्रेस किया, यहाँ पे कीबोर्ड पे से एक अल्फाबेट प्रेस किया ए, ठीक है, जैसे मैंने प्रेस किया तो स्क्रीन के ऊपर मुझे दिखेगा, और इसी बात है। तो जो स्क्रीन के अंदर दिख रहा है, क्या हम उसको निकाल के बाहर ला रहे हैं? नहीं ला रहे, ठीक है। क्या हम उसको उठा के इधर ला रहे? नहीं ला रहे। क्या वो ठोस है? नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो स्क्रीन के अंदर हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? केवल महसूस कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, स्क्रीन के अंदर ऐसा चल रहा है, ठीक है। हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब बाहर उसको ला नहीं सकते। और बाहर लाना हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रिंटर की, भैया कागज पे छाप के उसको ले आओ। तो प्रिंटर किसके ऊपर छापेगा? पेपर के ऊपर, ठीक है। पेपर क्या होते हैं? ठोस हार्डवेयर होते हैं, भौतिक होते हैं। तो पेपर भी क्या हो गया? हार्डवेयर। मतलब जो सिस्टम के अंदर स्क्रीन के ऊपर हो रहा है, जो खाली हम महसूस कर रहे हैं, वो सभी क्या है? हार्डवेयर है, सॉरी सॉफ्टवेयर है, और जो आप फिजिकली दिख रहे हैं वो सभी क्या है? हार्डवेयर, ठीक है। यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो महसूस किए जा सकते हैं। जैसे अभी बात कर रहा हूँ, एक स्विच है और एक फैन है, तो स्विच क्या है? हार्डवेयर है। फैन क्या है? हार्डवेयर है। उसके बीच में लगा हुआ वायर क्या है? हार्डवेयर, ठीक है। ये सभी हार्डवेयर है, क्योंकि वायर भी आप छू सकते हो, पंखा भी छू सकते हो, और स्विच भी छू सकते हो, ठीक है। लेकिन जब हम स्विच प्रेस करते हैं तो पंखा घूमता है, ठीक है, पंखा घूमता है। क्यों घूमा भैया? क्योंकि उसके अंदर वायर्स के थ्रू क्या गई? इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको वायर तो दिख रहा है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिसिटी जाती हुई दिख रही है? नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये सब ये क्या है आपके लिए? एक महसूस हो रही है, भैया करंट आ रहा होगा, उससे पंखा चल रहा है। इसके अलावा उससे जो जनरेट होती है हवा, वो हवा हम खाली महसूस करते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ये सभी क्या हो गई? सॉफ्टवेयर की गिनती में आ गई। यहाँ पे वही है कि जो कंप्यूटर ने जो चीज छुपी हुई है, मतलब जो जैसे हम लोग एमएस पेंट में पेंटिंग कर रहे हैं, तो पेंटिंग के कलर हम क्या अपने स्क्रीन के ऊपर से इसे हाथ में उठा के ला सकते हैं या उंगली में ले सकते हैं? नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये सभी सॉफ्टवेयर के अंदर आ रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है वो, अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम और प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं।
प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मतलब कंप्यूटर के अंदर कुछ प्रोग्राम होते हैं जिनको आप चलाते हो, प्रोग्राम आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन उनकी वजह से ही सारे अंदर के कार्य हो रहे हैं, ठीक है। तो वो सभी प्रोग्राम क्या होता है, समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने आपको बताई। अब हमको सॉफ्टवेयर के टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिक, इसलिए आपको बताया कि सॉफ्टवेयर क्या है इसको पहले बताना चाहिए। हम लोगों ने टेक्निकल डेफिनेशन यहाँ लिख दिए कि प्रोग्राम और प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको चार्ट बना रहा हूँ, आपके बुक के अंदर भी दे रखा है, हम उसी तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। तीन तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, सबसे पहला होता है जिसको आप बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो केवल सिस्टम के लिए बनते हैं, सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम जिसमें कीबोर्ड माउस ये सब छोड़ के सिस्टम बनता है ना, तो पूरे कंप्यूटर के लिए बनते हैं, पूरे कंप्यूटर सिस्टम के लिए बनते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की देखरेख करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का मैनेजमेंट करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की सपोर्ट्स करते हैं, ठीक है। इन सभी के लिए, तो केवल सिस्टम के उपयोग के लिए ही बने हो, हमारे उपयोग यूजर के लिए नहीं बने हो, तो उपयोगकर्ता के लिए नहीं बने हो, केवल सिस्टम को चलाने के लिए बने हो, वो सभी क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन है, वो आप बुक के अंदर से पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको पूरा चार्ट बना के इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसी से आपका थ्योरी आपको लिखनी है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बनते हैं, सिस्टम का मैनेजमेंट करते हैं, सिस्टम की देखरेख करते हैं, सिस्टम के लिए कार्य करते हैं, ऐसे सभी सॉफ्टवेयर का कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। इनको भी तीन प्रकार की कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक है। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, दूसरा आपके पास आता है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, तीसरा आता है आपके पास क्या, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। तीन तरह के सॉफ्टवेयर आपके सामने आते हैं, सिस्टम डेवलप मैनेजमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट और सिस्टम सपोर्ट, ठीक है। सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम का मैनेज करते हैं, सिस्टम को मैनेज करते हैं, सिस्टम का जितना भी मैनेजमेंट सिस्टम का काम है, जैसे कितना इनपुट आ रहा है, कितना आउटपुट जा रहा है, कितनी प्रोसेसिंग हो रही है, कितने समय में हो रही है, कितना उसको जॉब टाइम देना पड़ रहा है, कितना इंटरवल देना पड़ रहा है, ये सभी छोटी छोटी बातें हैं जिनकी जो समस्याएं हैं, ठीक है। क्योंकि आप यूजर हैं, हम यूजर हैं, यूजर कभी भी कंप्यूटर को एक कार्य नहीं देता है, अधिक कार्य देता है, उसके अलावा भी कंप्यूटर के बैकग्राउंड में बहुत सारे कार्य होते रहते हैं, ठीक है। तो उन सभी के लिए सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसको आपको ये डेफिनेशन वहां पे दे रखी है आपको बुक के अंदर, अलग अलग तरीके के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जॉब्स को क्रियान्वित करने के लिए उनके समय एक ही समय में सॉफ्टवेयर के द्वारा कार्य करवाना, ये सभी काम किसका होता है, सिस्टम मैनेजमेंट का होता है, कि आप एक साथ बहुत सारे कार्य भी ले सकते हैं उसको, ठीक है। इनके अंदर कौन कौन आता है इसके एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी एग्जांपल वही है जिसका यहाँ पे लिखा हूँ एग्जांपल, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम OS, शॉर्ट में लिखा मैंने, आप ध्यान रखें ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारे मोबाइल पर होते हैं एंड्रॉइड, एंड्रॉइड कभी देखा है, कभी छुआ है नहीं, एंड्रॉइड होता है बस मोबाइल एंड्रॉइड है ये मान के चले, मतलब उसको जो चला रहा है, जो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको ऑपरेट करने वाला सिस्टम है, उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो कौन है, एंड्रॉइड है। ऐसे कंप्यूटर चलाते हैं उसके अंदर विंडोज, ठीक है, तो विंडोज क्या है हमारे पास, यूनिक्स, लाइनक्स, विस्टा, ये कंप्यूटर चलाते तब आता है लिखा हुआ, जब कंप्यूटर शुरू करते हैं, चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं तब वहां पे लिखा होता है, वो सभी क्या है कंप्यूटर को, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, एक्टिविटी को देख रहे हैं, एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर का सोल होता है, ठीक है, हार्ट होता है, क्योंकि अगर ये नहीं चलता है तो आपका सीपीयू बंद हो जाता है काम करना, आपका मस्तिष्क भी काम करना बंद कर देता है, इसको सोल या हार्ट बोला है, ठीक है, आत्मा होती है कंप्यूटर की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को पूरी तरीके से चलाने का काम करता है, उसके जितने भी इंटरनल जितनी भी चीजें हैं वो सारे काम करने का ये
काम करना ये दिखता नहीं है, बाकी पूरी तरीके से आपके सिस्टम पे अच्छा दिखता भी है, आप उसे छू नहीं सकते, महसूस ही कर सकते हो कि हाँ इसकी वजह से ही काम हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, किसका, सिस्टम इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर का। अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा उदाहरण है, तो इसका भी सबसे बड़ा उदाहरण कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा इसमें होते हैं ऑपरेटिंग एनवायरमेंट होते हैं, देखिए डेवलप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसको डीबीएमएस बोला जाता है, इसका आपका इसी की है। DBMS के अंदर इसमें आपको सब मिला है, टेली कम्युनिकेशन जितने भी मॉनिटर्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, सब इसी के एग्जांपल है। और बात करें सिस्टम डेवलपमेंट की, तो कंप्यूटर में बहुत सी ऐसी अलग अलग सेवाएं प्रदान की जाती है, प्रदान करता है कंप्यूटर, जिनको समय समय पर क्या करना पड़ता है, विकास करना पड़ता है, डेवलपमेंट करना पड़ता है, तो नए नए डेवलपमेंट हो जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे मोबाइल में एक फाइल चलती है, आपके मोबाइल में चलती है, तो आपके मोबाइल में चलाने के लिए आपका जो मोबाइल है उसका एंड्रॉइड है उसको उस तरह से अपडेट करना पड़ेगा, तो उसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट कराने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, फाइल को आगे के पूरा सिस्टम अपने आप को क्या करता है, विकसित करता जाता है, डेवलप करता जाता है, और आपके नई नई जितने भी रोज नए नए जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको चलाने की कोशिश करता है। फिर होता है जो आपका सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, ये भी आपकी ऐसी सेवा प्रदान करता है जो सिस्टम को ऐसी फाइल को सपोर्ट नहीं करती है, एक सिस्टम में कर दूसरे में नहीं, दूसरे में कर नहीं कर रही है। ठीक है, ऐसी सिस्टम को सपोर्ट करवाने के लिए ये जिम्मेदार होता है। ठीक है सर, इनके भी अपने अपने एग्जाम्पल है, जैसे ये जो होता है इसके अंदर ट्रांसलेटर होते हैं, डेवलपमेंट के अंदर ट्रांसलेटर लगे होते हैं। मैंने आपको बताया कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं जानता है, कंप्यूटर अपनी उसकी भाषा को जानता है, तो जितने भी भाषा को ट्रांसलेट करना लो लेवल से हाई लेवल, हमारी लैंग्वेज से कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज में, वो सभी काम डेवलपमेंट के अंदर होता है। इसके अलावा ये जो है आपके पास सपोर्ट सॉफ्टवेयर, इसके अंदर कुछ परफॉर्मेंस वाले प्लेटफॉर्म आते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस के लिए आता है, या आप बोल सकते हैं सिक्योरिटी पर्पज से भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, जो अपने कंप्यूटर की इसको सिक्योर सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपने यहाँ देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये तीन तरीकों से, सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम का प्रबंधन करना, सिस्टम में डेवलपमेंट, सिस्टम को विकसित करना, सिस्टम सपोर्ट, सिस्टम की ऐसी फाइल्स जिसको जिसको सपोर्ट नहीं कर पाता उनको सपोर्ट करवाना, सिक्योरिटी का ध्यान रखना, सुरक्षा का ध्यान रखना, ठीक है, कंप्यूटर को सुरक्षित बना के रखने की कोशिश करना, ये सभी काम इसके होते हैं। मतलब पूरे सिस्टम की देखरेख करना सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। ये एक छोटी सी बात आप ध्यान रख लें, इसकी थ्योरी आपके साथ में दे रही है, आप बुक में से करें, मैं चार्ट पे भी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ में लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, अब अच्छा आता है कौन सा सॉफ्टवेयर, जिसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, SW लिख रहा हूँ मैं, इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर, हर जगह मैंने SW लिखा है, ध्यान से। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर, आपने यहाँ पे बात कर ली सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो केवल सिस्टम के लिए बनते हैं, सिस्टम के लिए मदद करते हैं, सिस्टम की देखरेख करते हैं, सिस्टम का मैनेजमेंट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसके लिए बनते हैं, हमारे लिए, यूजर के लिए, उपयोगकर्ता के लिए, जो कंप्यूटर पे कार्य कर रहा है उसके लिए। वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आम उपयोगकर्ता के लिए बनते हैं, आम कार्यों के लिए बनते हैं, आम मतलब जो रेगुलर वर्किंग होते हैं, रेगुलर कार्य करते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हर कंप्यूटर में मिलेगा, हर सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में मिलेगा, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलेगा, हर मोबाइल के साथ में आजकल डिजिटल सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें जिसको सबको जरूरत पड़ती है, जिसकी ठीक है टाइपिंग की जरूरत सबको पड़ती है, टेबल बनाने की जरूरत सबको पड़ती है, ये ऐसे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बने हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं जनरल पर्पस एग्जांपल, मैंने आपको बताया वर्ड, एक्सेल, ठीक है, पावर पॉइंट, ये सभी क्या है, जनरल पर्पस, सबके पास में नहीं, सभी को करना है ऐसे काम। ठीक है, आप नहीं भी करना तो भी मोबाइल कंप्यूटर मोबाइल में रहेंगे। स्पेशल पर्पस कौन से होते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो स्पेशल कंपनी स्पेशल किसी विशेष उद्देश्य के लिए बने, जैसे टैली, ठीक है, एनिमेशन, ठीक है, किसी फैक्ट्री का कोई सॉफ्टवेयर हो, या हम बात करें लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट,
फीस मैनेजमेंट, ठीक है, होटल मैनेजमेंट, ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इन सॉफ्टवेयर से काम, जैसे मैं बोलूं टैली, जब अकाउंट से बच्चा हो अकाउंट वाले को ही काम करना है, अकाउंट वाले के लिए बना है, हर व्यक्ति ना काम करेगा, एनिमेशन जिसको एनिमेशन का शो होगा उसके लिए काम करेगा, हम बोले लाइब्रेरी मैनेजमेंट किसी स्कूल की इस लाइब्रेरी के लिए भी यूज होगा, किसी कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए यूज होगा, हम अपने घर में लेके तो नहीं बैठेंगे ऐसे सॉफ्टवेयर को, कोई फैक्ट्री है छोटे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं वो हम अपने घर में नहीं चला सकते, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट स्कूल वालों के काम का, ठीक है, फीस मैनेजमेंट जो जो फीस लेते हैं उनके काम का, हर व्यक्ति के काम का नहीं है, तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं विशेष उद्देश्य के लिए बनते हैं, उनको स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। अब दो तरीके का आपके पास सॉफ्टवेयर दिख रहा है यहाँ पे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बहुत सारी किताबें वही बताती है, ठीक है, और कुछ जगह पे हम लोग इसको एक और कैटेगरी में डालते हैं जिसका नाम है यूटिलिटी। यूटिलिटी वो चीजें होती है, इनमें वो सॉफ्टवेयर आते हैं, आप बचे क्या, ये सिस्टम के लिए होगा, ये कंप्यूटर के लिए होगा, ये हमारे लिए होगा, अब क्या बचे, अब ऐसे सॉफ्टवेयर बचे जो इन दोनों से अलग है, ठीक है, इन दोनों के बाद जो छूट जाते हैं बच जाते हैं, जैसे हमने बात करी सबसे पहले एंटीवायरस, कौन सी एंटीवायरस, वायरस को भगाने के लिए एंटीवायरस होता है, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट टूल, ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, ऐसे कुछ टूल्स होते हैं जो क्या काम करते हैं आपके यूटिलिटी में आते हैं, जब इन दोनों के बाद जब बच जाते हैं वो सब यूटिलिटी में, ठीक है, जो छोटे मोटे काम जैसे जो पीछे के बच जाते हैं, जैसे वायरस को निकालना है, वायरस को मारना है, वायरस को डिटेक्ट करना है, ये सारे काम एंटीवायरस करता है, अपने अंदर जितनी भी फाइल्स है उसको मैनेज करने का काम फाइल मैनेजमेंट करता है, डिस्क है जो आपके हार्ड डिस्क है उसको मैनेज करने का काम डिस्क मैनेजमेंट करता है, ठीक है, इसी तरीके से और भी काम होते हैं यूटिलिटी के, ठीक है, जो आपको सिस्टम के द्वारा यहाँ पे करवाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कंप्रेशन टूल है, कंप्रेशन टूल क्या करता है आपकी फाइल को कंप्रेस करने का काम करता है, तो इतनी तरीके से आपका ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कंप्लीट होते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूटिलिटी के अंदर जो एंटीवायरस फाइल मैनेजमेंट डिस्क मैनेजमेंट है इन सबको किस तरह से आगे कैटेगराइज किया जाए या आगे किस तरह से इनको डिटेल में समझाया जाए, कितने प्रकार के एंटीवायरस होते हैं, कौन कौन से एंटीवायरस कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए हम वेट करें और इसको कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को अगले पार्ट के अंदर, थैंक यू।